एनीवेज गाइस, टैंक ओपन कर लिया है, जितना भी टैंक कवर वगैरह है। अब देखो यहाँ पे जितना भी ये जो फ्यूल गेज है, ये प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पा रहा है, इसका रिहोस्टेट ख़राब हो गया है। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, देखो बस बिल्कुल नहीं दिखा रहा इंडिकेशन, और उस टाइम इसमें कहाँ से फ्यूल है। एक बार फ्यूल की क्वान्टिटी दिखाता हूँ आपको, है ना, आपको समझ आना किस तरीके से फ्यूल की क्वान्टिटी होने के बावजूद भी क्या रिजल्ट हैं। देखो गाइस, मतलब क्वान्टिटी काफ़ी है फ्यूल की इस टाइम, उसके बावजूद ये देखिए गाइस फ्यूल की क्वांटिटी देखना है एक बार आप। गाइस फ्यूल की क्वांटिटी काफ़ी है, बट जो फ्यूल है इसमें दिखा नहीं रहा है, बिल्कुल मीटर में शो नहीं कर रहा फ्यूल गेज। अब इसे रिपेयर करेंगे फ्यूल गेज को ओपन करके। गाइस पहले टैंक कवर कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूल गेज को रिपेयर करेंगे। एक बार फ्यूल गेज की बिल्ड देख लो, जो रियोस्टेट वगैरह लगाता है सब, अभी इसे रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा लूज हो गया है, इसे रिपेयर करते हैं। एनीवेज गाइस, जो कवर कर लिया जितना भी टेप से, बिकॉज जो वो पेट्रोल है इवेपोरेट ना हो, अब सीधा जो उसका फ्यूल गेज है अब इसे रिपेयर करेंगे, जो उसकी इंडिकेशन वगैरह लूज हो गया था इसे अच्छे से रिपेयर करते हैं। एनीवेज गाइस, अब रिपेयर करते हैं जो अपना ये है पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट भी बोलते हैं इसे। गाइस यहाँ पे देखिए, जिसका यहाँ पे दो पिन देखेंगे आपको, इसे ना यहाँ पे बिल्कुल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में होती है इस तरीके से, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है गाइस, ये देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाइस यहाँ पे ना जो पेट्रोल ऊपर नीचे ज़्यादा होता है तो ये लूज़ पड़ाती है कुछ टाइम बाद। यहाँ पे देखो गाइस, है ना, जो उसकी पिन है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में काफ़ी लूज़ हो गई है। अब इसे ओपन करके ना इसे टाइट करते हैं, देखो गाइस इस जगह से ना यहाँ से इसकी पिन होती है एक, ये गाइस यहाँ पे पिन होगी, आप इजीली थोड़ा सा जेंटली पुल करोगे तो ये आराम से जाएगी बाहर। उसके बाद मैं थोड़ा सा हीट श्रिंकेबल स्लीव की हेल्प से प्रॉपरली टाइट कर दूंगा, इसकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ पूरा प्रॉपरली। गाइस ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये पिन होती है यहाँ पे, ये रही पिन इसकी, ठीक है गाइस, ये देखो इसकी पिंस है, और यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए सो दैट जितना भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये ईसी को दे पाए प्रॉपरली यहाँ पे। तो इस पिन जितनी भी दो पिन है ना आपको पुल करना है ना बाहर की तरफ थोड़ा सा, सो दैट जितनी भी कॉन्टैक्ट अच्छा हो जाता है बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से पुल करना है बिल्कुल। ये देखो गाइस यहाँ पे बिल्कुल, ये देखो इस चीज़ में यहाँ पे तीन पिन है, देख रहे हो तीन पिन, ये वाली तीन पिन है, जो जितनी भी थ्री पिन है ना प्रॉपरली करना आपको एक ही लेवल में, ठीक है। और अब उसके बाद इसे यहाँ पे वापस लगा देना है, फिर मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसमें शो करेगा। अब गाइस आपको थोड़ा सा फील भी जाएगा, हल्का सा टाइट चलने लग जाएगा, जब आपस में टच करेंगे ना प्रॉपरली, उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो इनका अच्छा हो रहा है दोनों के बीच में, कोई क्लियरेंस गैप नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं इसमें छोटा सा ना एक मॉडिफिकेशन करनी है हमें, यहाँ पे जो हीट शिंग केबल स्लीव है ना इसे ओपन करके हल्की से लगानी है आपको, सो दैट इन फ्यूचर जल्दी से ये लूज़ ना हो। गाइस ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं इसे हीट शिंकेबल स्लीव को, गाइस देखो यहाँ पे लग गया हीट शिंकेबल, और साथ ही साथ जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसका प्रॉपर है, बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल प्रॉपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पे हीट शिंकेबल स्लीव लगाने के बाद यहाँ पे इसकी पिन लगा देता हूँ मैं,
गाइस कुछ इस तरीके से इसकी पेन लग जाएगी, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ क्या मिलते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखो इसकी मूवमेंट भी ठीक हो रही है इस टाइम प्रॉपरली, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट है पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इशू बिल्कुल ठीक हो गया, रिजॉल्व हो गया प्रॉपरली, जितना भी इशू है। एनीवेज गाइस मैंने लगा दिया, अब देखो यहाँ पे सिर्फ कपड़ा लगाया, टैंक नहीं लगाया जानबूझ के भी, है ना, टैंक मैंने बाहर निकाल रखा था। अब गाइस देखो इस तरीके से फिट होता है अपसाइड डाउन, तो यहाँ पे देखो अब मैं इसकी कमांड दिखाता हूँ आपको क्या कमांड देगा, है ध्यान से देखना अभी सिर्फ, ठीक है, विदाउट कट ये देखना गाइस, अभी 3 पॉइंट दिखा रहा है देखो, है ना, अभी बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, अब देखो बिल्कुल सीधा रहेगा ना इसे, जब पेट्रोल कम होता है नीचे होता फ्लोट इसका, इस टाइम जब बिल्कुल बॉटम में होता है इसका फ्लोट, तब देखते हैं इसका क्या कमांड मिलती है। यहाँ मैं ऐसे लगाता हूँ उसे इस तरीके से, अब देखो गाइस क्या कमांड मिलेगी एक बार ना, देखो बिल्कुल भी कमांड नहीं दिखा रहा है इस टाइम, बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है ना, और देखो गाइस इसे बिल्कुल ऊपर पुल करते हैं, ठीक है, बिना कट लगाए दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर जैसे पेट्रोल होता है इस टाइम। अब देखो यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसी को, देखो गाइस बिल्कुल आ गया, ठीक है, अब थोड़ा सा कम करते हैं पेट्रोल को, देखो हल्का सा ना थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, अब दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलते हैं गाइस, देखो थोड़ा सा एक बार कम है तो मतलब ठीक है गाइस, रिजल्ट्स मिल चुके हैं, अभी से इंस्टॉल करूँगा मैं, तो आप भी ठीक रहते हैं अपनी बाइक के अंदर, स्टैंडर्ड वगैरह कोई भी बाइक को सेम रियोस्टेट पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितनी भी कर जाओ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।